ग्रिपोन ट्रिप लेकर आया है आपके लिए ब्रांड न्यू सीरीज डिस्कवर टर्की। इस सीरीज में मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ 1800 साल पुरानी इमारत आया सोफिया की, जो हाल ही में एक म्यूजियम से मस्जिद में बदल दी गई है। मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार इस्तांबुल में क्यों है, आपकी कब्र मुबारक 800 साल बाद कैसे दरियाफ्त हुई। हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पहले और 500 साल पुराने शॉपिंग मॉल की। हम देखेंगे इस्तकलाल एवेन्यू की रौनकें और तारीखी तकसीम स्क्वायर मॉन्यूमेंट। मैं दिखाऊंगा आपको प्रिंसेस आइलैंड, जो वाकई एक जन्नत का टुकड़ा मालूम होता है, और शेयर करूंगा आपसे फेरी का यादगार सफर। और दुनिया भर में मशहूर टर्किश खाने खाएंगे और जानेंगे कि टर्किश कज़ीन इतनी फेमस क्यों है। मैं करूंगा जदीद तुर्की की सैर और क्रूज से पार करूंगा अब नाई बास्फोरस। हम देखेंगे हजारों साल पुरानी रोमन एम्पायर की बाकियां और कुदरत के कुछ अजीबोगरीब करिश्मे। के साथ हम विजिट करेंगे विक्टोरियस चैंपियन इर्तुगुल गाजी के मकबरे की। अगर आप टर्की ट्रैवल का इरादा रखते हैं तो मेरा यह सफर आपको बहुत फायदा देने वाला है, क्योंकि मैं आपके बहुत से पैसे और वक्त दोनों बचाने वाला हूं। इसके अलावा हम जानेंगे तुर्की कैसा है, तुर्की वाले कैसे हैं और इनका लाइफस्टाइल कैसा है। ये सब हम जानेंगे ग्रिप ऑन ट्रिप की डिस्कवर टर्की सीरीज में। तो तैयारी कर लें और सीट बेल्ट बांध लें एक खूबसूरत सफर के लिए। अगर आप तुर्की का वीजा लगवाना चाहते हैं और आप जॉब करते हैं तो ये कागजात तैयार कर लें। अगर शादीशुदा हैं तो MRC और अगर गैर शादीशुदा हैं तो FRC लेटर, एम्प्लॉयर की तरफ से NOC लेटर और 6 माह की सैलरी स्लिप्स, पोलियो सर्टिफिकेट, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो आप खुद भी कर सकते हैं और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ऑनलाइन भी करवा सकते हैं या आप जेरी के ऑफिस से भी करा सकते हैं, 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट जिसकी मियाद ख़त्म होने में कम से कम 6 माह अभी बाकी हों, टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट जो कि आप FBR की वेबसाइट से ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, और आखिर में कोविड टेस्ट जो आपकी फ़्लाइट से 96 आवर पहले के दौरानिए में कराया गया हो। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, सबसे पहले आपको कंपनी लेटर हेड जिस पर आप अपना बिज़नेस का तारुफ करवाएंगे और अपने विज़िट की रीज़न बताएंगे। बिजनेसमैन के लिए आपको NOC लेटर और 6 माह की सैलरी स्लिप्स की ज़रूरत नहीं, जबकि बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स सेम हैं। ये तमाम कागजात जमा करें, तुर्की की ऑफिशियल वेबसाइट से वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करें और फिल करें, जेरीज में कॉल करके अपॉइंटमेंट लें और फाइल जमा करवा दें। जेरी आपसे टोटल 14,600 रुपये फ़ीस लेगा और 14 वर्किंग डेज में आपका इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। लें जनाब, ये मैंने आपकी पहली 8 से 10 हज़ार रुपये की बचत करवा दी है जो ट्रैवल एजेंट को आपने देनी थी। टर्की ट्रिप स्टार्ट हो गया है और आज मेरे साथ हैं मेरे बहुत पुराने, जो कि आप शुरू शुरू में देखा करते थे, अब्दुलरहमान भाई। ये भाईजान एक्साइटेड हैं और रात 2 बजे का वक्त है, चेक इन अभी हमने कर लिया और अब देखते हैं कैसा लगता है इसका। कोई नहीं किया चेक इन, ये देखें झूठ बोल रहा है, ये हम लाइन में लगे हुए। मेरा मतलब था अभी आए हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये हमारा 10 से 11 दिन का प्लान है और इसमें हमने बहुत बहुत चीज़ें डिसाइड की हुई हैं, कुछ चीज़ों का वहाँ पर जाके पता चलेगा। तो इंशाल्लाह हमारी अभी 5:20 की फ़्लाइट है और 3 बजे है। विश लिस्ट बहुत लंबी है हमारी, देखिए हम इसमें से कितना फुलफिल करते हैं। ठीक है, हमारे साथ रहें, अभी हम अपना सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते चलेंगे। आपकी आसानी के लिए आपको एयरपोर्ट से डिपार्चर प्रोसेस भी बताता चलूँ। सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाकर एंटर हो जाएंगे एयरपोर्ट में।
एंटर होते ही सबसे पहले आप लगेज, हैंड कैरी और अपनी चेकिंग कराएंगे। सामान की चेकिंग के बाद आप चेक इन काउंटर पर जाएंगे और सामान के वज़न के बाद आपको बोर्डिंग पास भी दे दिया जाएगा। आपका लगेज वाला बैग बेल्ट से अंदर भेज दिया जाएगा, जबकि हैंड कैरी आपके साथ ही रहेगा। बोर्डिंग कराने के बाद चौथा प्रोसेस पासपोर्ट कंट्रोल के केबिन में जाना होगा, जहां इमिग्रेशन वाले आपकी तफसीलात चेक करेंगे, आपको थोड़ी देर मशकूक नज़रों से देखेंगे और पासपोर्ट पर स्टैंप लगा देंगे। पासपोर्ट कंट्रोल के बाद आपको दोबारा एक दफ़ा स्कैनिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। स्कैनिंग के बाद आप फ्री हैं, टिकट से गेट नंबर देखें और इसी गेट के पास जाकर बैठ जाएं और बोर्डिंग अनाउंसमेंट का वेट करें। फाइनली वी रीच इस्तांबुल एयरपोर्ट और बड़े इजीली हमें अपना बैग भी मिल गया। और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है, 25 नंबर गेट से हम एंटर हुए हैं और एक गेट में 25 बेल्ट्स हैं। हम चाह रहे हैं कि हम बहुत सस्ते में पहुँच जाए अपने होटल, तो उसके हमारी कोशिश है कि हमें टैक्सियाँ लेनी पड़े और हम बस से पहुँच जाए। अच्छा, शुक्र है आपने पैदल नहीं कह दिया, सस्ते में। अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में बंद करके इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोला गया है। ये नहायत ही शानदार, वसी और ख़ूबसूरत एयरपोर्ट है, जहां जदीद तरीन सहूलियात दी गई हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अब्रॉड जाते हैं तो सबसे पहले जाके सिम खरीदते हैं, क्योंकि आपके घर वाले भी वेट कर रहे होते हैं कि आप उनको अपना लैंडेड सेफली का मैसेज भेज दें। तो अभी हम तुर्कसेल पे आए हैं। यहाँ पे मिनिमम जो सिम है वो 220 लीरा की है, जो कि तकरीबन 6000 के करीब बनता है पाकिस्तानी, और इसमें 25 GB डाटा आपको मिल जाता है, जो कि आपके टूर के लिए मोर देन इनफ होता है। यहाँ पे वोडाफोन है, तुर्क टेलीकॉम है और तुर्कसेल है। तो लास्ट टाइम मैंने तुर्कसेल लिया था, मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा था। मेरी सुबह 5:20 की लाहौर से डायरेक्ट इस्तांबुल की फ़्लाइट थी और जहाज़ लाहौर से उड़ान भर के क्वेटा के करीब से अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ और कंधार से होता हुआ ईरान के शहर मशहद के ऊपर से गुज़रा। यहाँ से ईरान क्रॉस करके कैस्पियन सी से गुज़र कर एनातोलिया रीजन में दाखिल हो गया। एनातोलिया में दाखिले के बाद इस्तांबुल पहुँचने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा और मैंने टोटल 4,370 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जिसमें 5:40 लगे। लोकल जाने का तरीका है वो ये है कि हवा बस चलती है, ये पीछे आप देख रहे हैं इस बस को, ये आपसे 25 लीरा पर पर्सन चार्ज करती है, जो कि आपको तकसीम स्क्वायर तक लेके जाती है, अस्कराए और इसमें जितने भी फेमस एरियाज हैं आपको वहाँ पे ड्रॉप करती है। आपकी जो टैक्सी है वो आपसे चार्ज करती है फ़ती जाने के 150-160 लीरा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने बेसमेंट में जाना है, बेसमेंट में आपको ये बस मिल जाएगी, बेसमेंट में आपको जाने के लिए मिलती है और ड्रॉप आपको ये फर्स्ट फ्लोर पर करते हैं। तो आपका जो 150 लीरे वाला काम है वो 25 लीरे में हो जाता है, तो मैंने आपके 125 लीरे बचा दिए हैं। तो अब आप इसी खुशी में मुझे सब्सक्राइब कर दें और अगर ज़्यादा मोहब्बत चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे इजी लोड करवा दें।
हवा बस से स्टॉप पर उतरने के बाद पता चला कि होटल 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए 25 लीरे की टैक्सी कराना पड़ी क्योंकि सामान भी साथ था। और ये हमारा रूम है, बड़ा कूजी सा और ब्राइट सा है। और ये अब्दुलरहमान साहब मास्क उतार के अपने जिंदगी में आए और सांस लेना बड़ा आसान हो गया। हाँ, ये कानों से आवाज सांस लेते हैं। उल्टा लगाओ सीधे हो जाएंगे। रूम इज वेरी गुड, कॉम्पैक्ट है लेकिन बड़ा अच्छा है, मजे का है। 2 घंटे का रेस्ट कर लिया है और फ्रेश हो गए हैं। देखें, हम चिट्टे गोरे लग रहे हैं, चमक गए हैं। और आज का प्लान जो है वो कहीं किसी खास मोन्यूमेंट या किसी जगह पर जाने का नहीं है, वो ऐसे कि अभी शाम होने में 3-4 घंटे हैं तो हम सिर्फ बाज़ार और स्ट्रीट्स करेंगे, इसकी एग्जर्शन करेंगे, यहाँ पे इनको एक्सप्लोर करेंगे और साथ खाएंगे खाना। बहुत भूख लगी हुई है, मैं तो चाहूँगा कि पहले खाना खाएं उसके बाद पैदल मार्च चलें। हाँ, ये भी सही है, पहले पेट पूजा फिर कम पूजा। तो इस्तांबुल की गलियाँ सारी घुमाएँगे फिराएँगे और दिखाएँगे। इसमें इस वक्त हम फतेह के एरिया में हैं, यहाँ पर इनका अंदरून इस्तांबुल समझ लें। तो यहाँ पर वॉक करते हैं और चेक करते हैं। ओके, इलाका। What do you want to eat? Anything special. Anything special. We have Turkish regular kebabs, okay. Turkish pizza, some regular Turkish kebabs. Okay. Some pita also, tasty kebabs, beyti, Ortaklar okay. Special, İskender, döner. They are so special. İskender kebab. Do you have İskender kebab? Yeah, we have. Abdüsle İskender kaldı mı? Yes, we have. Okay, done. मैंने तो अपना सिकंदर कबाब फाइनल कर लिया, बाकी अब्दुलरहमान साहब देखते हैं और फिर चल के ट्राई करते हैं। फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, पैसों को ले गए या वैरायटी को ले गए? आता नहीं है हमारा ऑर्डर, हम इसे फिनिश करते हैं। हाँ साहब, ऑर्डर क्या क्या दिया आपने? एक अदाना कबाब है और एक सिकंदर कबाब। और आपके लिए? ये मैंने खाना है। चले, अभी ऑर्डर आता है तो देखते हैं। साथ को शोरबा भी मैंने कह दिया। ओके, टेस्ट करके बताएं। ये हमने देखा है कि जहाँ से भी हम गुजरे हैं सबके पास ये ज़रूर है, देखा कि चलो इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। ओहो, ये सूप वाला टच दिया हुआ है। इसमें 2-3 दालें डाली हुई हैं उन्होंने। और यहाँ पे हमने सुना है कि टर्किश बहुत पीते हैं। हाँ जी, वही ना। साथ में आ गया है जी, ये हमारी साथ सॉस आ गई है जो कबाबों के साथ हमने खानी है। और भूख बढ़ती जा रही है और निज़ाम बढ़ता जा रहा है। ये हमारा अदाना कबाब है, पहला ऑर्डर है। ये बीफ का कबाब है, चुप करो। बीफ कबाब के साथ इन्होंने गंदम जो है उसको भुना हुआ है, साथ में सैलड है, लेटस और ये टमाटर और साथ हरी मिर्च। और बाकी ये टमाटो पेस्ट में बने हुए हैं। सिकंदर कबाब ग्रिल है इसका मीट, साथ में दही दी है इन्होंने खट्टा सा, ऊपर चिप्स है और इसको टमाटो पेस्ट में ही बनाया गया है। तो फर्स्ट हम पहले ट्राई करते हैं जी अदाना कबाब। बहुत अच्छा निज़ाम बन गया है कबाबों का। कबाबों में इन्होंने चर्बी भी काफ़ी डाली हुई है, उससे काफ़ी ये
इसमें एक बड़ी टेम्पटिंग सी स्मेल भी आ रही है और साथ इसको आप कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना दिया, साथ में आपको उन्होंने टमाटर दे दिया। अच्छा, इनकी मिर्चें कड़वी नहीं होती। सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। इनसे ना एक दो मिर्चें और मंगवाते हैं। ये ग्रिल किया हुआ बीफ है, लंबे लंबे इसके पार्सले बने हुए हैं, स्मार्ट साथ टोमेटो सॉस में बनाया हुआ है। टोमेटो सॉस के साथ आप इसको इस तरह से कर लेते हैं और फिर इस तरह से इसको खा जाते हैं। ये टर्किश जो है ना, ये मुझे पठानों के भाई लग रहे हैं, इनको भी चर्बी बहुत पसंद है, इनकी हर चीज़ में चर्बी है। इसमें मोटे चावल यूज़ किए गए हैं और वो मुंह में भी आ रहे हैं। वैसे ये हम भी बना सकते हैं। चावल जो हैं वो इसमें मैश तो हो गए हैं, लेकिन कुछ कुछ चावल वैसे ही हैं और मलाई सी फील होती है कि आप इनमें, वैसे हम मलाई खा रहे हैं, बहुत आला है। और सबसे अच्छी बात यह कि मीठा बड़ा ही मुनासिब लगता है। वह छाड़ दे थोड़ी जी। जी भाई, खाना हम लोगों ने खा लिया था और सुल्तान अहमद एरिया एक्सप्लोर करते करते अब हम आ गए हैं हसन पाशा स्क्वायर पे। ये भी बड़ा बिजी और इनका एक कॉरपोरेट एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिसेज हैं। समंदर यहाँ से बिल्कुल करीब है, राइट साइड पे जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ से आपको डेप्थ पे नज़र आता है, तो साथ रहिएगा। और नॉन स्टॉप हमारा ट्रैवल चल रहा है, होटल पहुंच के भी हमने ज़्यादा स्टे नहीं किया और हम लोग गए हसन पाशा स्क्वायर और वो सारा एरिया एमिनोनो का और सुलमानिया मॉस्क के पास से गुजरे। ग्रैंड बाज़ार भी देखा बाहर बाहर से, अभी इन डिटेल अंदर नहीं गए, अभी वॉक थी और अब हम वापस आए हैं। रास्ता बाज़ार में खड़े हैं, साथ ही हमारा होटल है। दोपहर का हमने लंच किया ब्रीफ सा, लेकिन ये है कि जितना हम चले हैं लंच में निकल गया और सुबह वाला नाश्ता भी गायब हो गया। हाँ तो ठीक है, 3 किलोमीटर ही कहा था मैंने, 3 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर आज हम चले। मेरी ऐप ने मुझे बता दिया कि अगले 3 दिन तुमने चलना नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट 3 दिन क्या होता है। आज हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, रात को भी निकले बजे बगैर सोए हमने आज सारा दिन भी अटेंड किया है, इस्तांबुल के बाज़ारों को देखा है। तो इंशाल्लाह आज का डे यहीं पर एंड होता है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय बाय। Assalamualaikum, Kardish, Kardishiyam, Siddhi Kardishiyam. Today I am at the tomb of Salman Shah Olu Ertugrul. डिस्कवर टर्की सीरीज़ में आज मैं टर्की पहुंच गया हूं। मेरे आगे आने वाले सफ़र बहुत ही यादगार और ख़ूबसूरत हैं, और अगर आप पाकिस्तान की बुलंद तरीन और ख़ूबसूरत आबशारें देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें, और अगर आप एबटाबाद शहर की सैर करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरा ये सफ़र जारी है, मेरे साथ रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।